Gently, ha ha ha. शिकार ले आऊं बड़ा राजा बाबू। शिकार? कैसे शिकार? हिरन, जिंदा हिरन देख। You caught it? तुम पकड़ा? हाँ बड़ा राजा बाबू। तीर से पैर में थोड़ा जख्मी हुआ। उसके आज जानवर है ना? भाग निकला। मैं भी उसके पीछे पीछे। वो भागता गया। इस जंगल से उस जंगल। मैं भी छोड़ा नहीं। जब थक गया ना, मौका मिलते झट पकड़ लिया। जिंदा पकड़ना आसान नहीं है बड़ा राजा बाबू। लगता है बड़ा शिकारी है। ये आसानी से हाथ नहीं आता। तुम मुझको भूल गया बड़ा राजा बाबू? नो नो, याद है। तुम घिनुआ बड़ा राजा बाबू, तालडांगा में मिला था उस दिन। हाँ, तालडांगा। तुम बड़े शिकारी हो। हाँ, पहाड़ से जंगली सुअर आता है, हाथी आता है, खेत की खड़ी फसल उजाड़ के जाता है, गांव में बाघ आता है, गाय बछड़ा बकरी आदमी जो भी मिले उठा के ले जाता है। जानवर हमारा दुश्मन, लेकिन वो जानवर जिसको मैंने मारा। कौन से जानवर? सुनी शुक्र बड़े राजा बाबू से। योर ऑनर, मेरी इस अदालत से दरखास्त है कि असामी के इस बयान का नोट किया जाए। असामी अपराध कबूल करता है। क्या तुमने गोविंद सरदार का खून किया? उसको जान से मारा? हाँ हाँ, मारा है। लेकिन क्यों मारा है? योर ऑनर, क्या ये इकबाल जुर्म नहीं है? लेट हिम कंटिन्यू। बोलो, तुम कुछ बताना चाहते थे, है ना? बोलो। हाँ, मारा है, लेकिन क्यों मारा है? वहां वो जो लड़की बैठी हुई ना, वो मेरी बहू, उससे पूछ। उसके पास जो बैठा हुआ है वो मेरा बापू है, उससे पूछ क्यों मारा है। वहां हमारे गांव वाले बैठे हुए हैं, उनसे पूछ क्यों मारा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ा राजा बाबू मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन तू को एक बात पूछू बड़ा राजा बाबू, साफ बात, खरी बात। एक आदमी, गांव का एक आदमी, हर एक उसे प्यार करता है, भला आदमी, शल्पू। शल्पू को डोरा ने मार दिया। डोरा बुरा आदमी है, और तूने उसको इनाम दिया, 500 रुपया दिया है, और मुझे, मैंने एक ऐसे जानवर को मारा है बड़ा राजा बाबू, जो हमारे गांव का सबसे खतरनाक खूनखार जानवर है, और तूने मुझे यहां लाया बड़ा राजा बाबू, ये कोई ठीक काम है? मां कसम। अरे पत्थर मारते हो? अरे साहब, क्या बोलते, पत्थर मारते हो? अरे शर्म नहीं आती? अरे शिल्प आदमी को तुम पत्थर मार रहे हो? अरे देखो, मैं शर्म बचा दूंगा। क्यों मैं अपनी माँ को बेचता है? हवालदार साहब, मैं हूँ रंगीला, आप तो जानते ही हैं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो देखो, वो पगला हमें पत्थर मार रहा है, हमें धंधा नहीं करने देता। हैं? धंधा नहीं करने देता? अभी देखता हूँ। किरे की कोंडवल को चीज है की नाम तो अमर काल। क्या पता? कब्रिस्तान। कहाँ रहता है? कब्र में। कब्र में भूत है क्या? हमसे मजाक करते हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
ये सच्ची बात है और सच्ची बात को आप लोग मजाक समझते हैं। वैसे मैं इस कब्र में रहता हूं, कोई कानून तो नहीं तोड़ता हवलदार साहब? हमें क्या कहनो की ये कब्रिस्तान है, अगर पादरी साहब को कोई इतराज नहीं तो हमें क्या। लेकिन तू शरीफ आदमी पर पाथर क्यों मारता था है? अरे ये भड़वा शरीफ आदमी कब से हो गया, ये अपनी माँ को बेच रहा था, मैंने पत्थर मार के रोक दिया। अरे वो अपनी माँ को बेच रहा था, तेरी माँ को तो नहीं। माँ कसम ए! अगर मेरी माँ का नाम लिया तो तेरे टुकड़े करके फेंक दूंगा। अमर काल हाजिर। तुम्हारा नाम क्या है? अमर काल। यह कैसा नाम है? हुजूर मरने से पहले मेरी मां ने यही नाम रखा था। कब मरी थी तुम्हारी मां? जिस बार महाकाल पड़ा था। और तुम्हारा बाप? हुजूर मेरा बाप महाकाल में कलकत्ता आते हुए रास्ते में मर गया था। तुम्हारे मां बाप किधर से आए थे, किस गांव से आए थे? उत्तर बंगाल दार्जिलिंग जिला से। अब तुम कहां रहते हो? क्रिश्चियन लोगों के कब्रस्थान में, एक कब्र के अंदर। क्या तुम सचमुच कब्र में रहते हो? क्यों? बात सीधी है सरकार, वैसे मैं फुटपाथ में रह सकता हूं लेकिन रह नहीं सकता क्योंकि मस्ता लोगों के पैसा मांगते हो, मेरे पास है नहीं। वैसे सरकार 20 साल से शांति से कब्र में सोता हूं, आदत पड़ गई। और आज हवलदार साहब पकड़ के ले आए, लाया जेल में मुफ्त की रोटी खाऊंगा। कल रात तुमने हवलदार सुखदेव पर हमला किया था? हुजूर इसने मेरी मां को गाली दी थी। क्या गाली दी थी उसने? एक आदमी अपनी मां को बेच रहा था तो मैं उसे पत्थर मार के भगा रहा था। हवलदार साहब ने कहा वो अपनी मां को बेच रहा है, तेरी मां को तो नहीं। मां कसम मेरी मां का नाम सुनते मुझे गुस्सा आ गया और मैं इसका गला पकड़ लिया। मुलजिम ने अपना अपराध मान लिया है, इसे इस पर रहम खाकर 50 रुपया जुर्माना किया जाता है। हुजूर 50 रुपए क्या, मेरे पास तो 50 पैसे भी नहीं है। अगर जुर्माना न दे सको तो 15 दिन की सजा दी जाती है। ये कोई बात नहीं हुजूर, आपने तो 15 दिन के लिए मुफ्त की रोटी का बंदोबस्त कर दिया। सर क्या मैं अमर काल की तरफ से जुर्माना भर सकता हूं? भर सकते हो। सिगरेट? हाँ। अच्छा बाबूजी, तुमने कोर्ट में मेरे लिए पूरे 50 रुपए क्यों दिए? क्योंकि मुझे तुम्हारी कहानी चाहिए। मेरी? अरे मेरी भी कोई कहानी है बाबूजी? हाँ है, मेरे माँ बाप महाकाल में मर गए, मैं कब्र में सोता हूँ। अच्छा तुम ही बताओ ये कोई कहानी हुई, बोलो। मैं जिस पेपर के लिए काम करता हूँ उन्हें ऐसी ही कहानी। लेकिन हाँ छापे के लिए मेरी फोटो लोगे ना तुम? जरूर लूंगा। चलो। मगर यहाँ नहीं, वहां तुम्हारी कब्र के पास। बाबूजी ये है मेरा घर। और पहली आवाज जो मेरे कान में पड़ी, मांगो भैंदे मां। पहले तो ग्रैंड होटल के सामने कचरा पेटी में से जो भी मिलता था वही निकालकर खा लेता था। कभी कभी केले के छिलके पर ही गुजारा करना पड़ता था। फिर मैं हिंदुस्तानी फौज के पंजाबी जवानों से भीख मांगा। मैंने कहा पापा जी रब दे वस्ते सानू रोटी तो खिला दो। फिर मैं अमरीकन और अंग्रेज टमियों से भीख मांगी। मैं कहता था सर पुअर बॉय सर हंग्री बॉय सर प्रे फॉर योर लॉन्ग लाइफ एंड द विक्ट्री इन द वॉर। वो कहता था टेक दिस। मैं कहता था थैंक यू सर। लेकिन बाबूजी छोटे बच्चे को तो भीख मिल जाती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो भीख मिलनी बंद हो गई। सर तो पेट पालने के लिए
मुझे चाकू का सहारा लेना पड़ा। एक बार जब जेल से निकला तो बूढ़े क्रिश्चियन ने रहम का केस कबर में रहने की जगह दे दी। वो यहां का रखवाला था, बड़ा अच्छा बुड्ढा था। जो भी खाना उसे मिलता था वो कहता था, सन हाफ इज योर्स एंड हाफ इज माइन। सास बाबूजी, इतनी सी है मेरी कहानी। अच्छा, अब ये बताओ कि रात उस आदमी को तुमने पत्थर क्यों मारा था? इसलिए कि वो अपनी मां को बेच रहा था। और हवालदार पर हमला क्यों किया था? इसलिए कि वो मेरी मां को गाली दे रहा था। मगर भाई, तुम्हारी मां तो मर चुकी है और मरे हुए लोगों को कोई गाली नहीं दे सकता। देखो बाबूजी, मुर्दा हो या जिंदा, मां तो अपनी मां होती है। अरे तुमने देखी नहीं वो पिक्चर मां कसम? अरे उसमें तो हीरो विलन को ऐसे मारता, जब वो उसकी मरी हुई मां को गाली देता है तो कहता है कि भाई, फिर मेरी मां का नाम लेता है तो ये ले, धिशुम धिशुम धिशुम। क्या तुम फिल्म देखना पसंद करते हो? सिर्फ मार धाड़ की। हाय धिशुम धिशुम हा। तो आज एक फिल्म देखोगे मेरे साथ? मार धाड़ है उसमें? नहीं, मगर चलो तुम्हें। और ने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, जैसे मैं तुझे यहां बैठा देख रहा हूं ठीक वैसे। मानव मन की सगुण अनुभूति उसके दर्शन करा सकते, उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी कर सकते जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं। किंतु भगवान को कौन चाहता है? कोई चिंता करता है भगवान की? लोग अपने बाल बच्चों के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, गरीबी के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है? हाँ, कोई नहीं रोता। अरे सरल भाव से रोकर उसे पुकारे तो सही, भगवान स्वयं उसे मिलने चले आते। हाँ मां भवतारिणी कल्याणमयी मां, दया कर मां, मुक्ति दे। मां अपने मां से प्रार्थना कीजिए ना, मांगिए ना। देखिए मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मैं क्यों मांगू? तू मांग, किंतु तू तो मेरी मां को मानता ही नहीं। सुन, आज मंगलवार है, प्रणाम करके मां से जो भी मांगना है मांग, वो अवश्य देगी। मेरी मां तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। जा जाके मांग जा। मां मजा आएगा अब देखना। मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे मां। तथास्तु। मांगा? वो नहीं मांगा जो मांगना चाहता था। मूर्ख, क्यों नहीं मांगा? जा फिर से जा मांग, वो अवश्य देगी। हे मां, मां मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे,
करुणा मां खास तू मांगा जो चाहता था नहीं तो फिर मैंने भक्ति ज्ञान त्याग और वैराग्य मांगा दूर साला पैसा नहीं मांगा पैसा पैसा जा पैसा मांग पैसा जा पैसा चाहिए मां एक राजा से मुट्ठी भर ताने नहीं मांग सकता मां आपने अवश्य कोई जादू किया है मुझ पर इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं मांग पाया आपकी मां से शायद तेरे भाग में सुख है ही नहीं कोई भी मदद नहीं कर सकता तेरी कोई नहीं हमारी सोच बहुत गहरी होनी चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इसी संसार से जुड़ा हुआ है ना जो धन और वासना को जीत कर उपासना में ध्यान लगाते हैं उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है माँ नरेन को तूने विचार बुद्धि दी है ज्ञान दिया है आज से वो ही तेरी पूजा करेगा मैं चिंता मुक्त हो गया मां मैं चिंता मुक्त हो गया शंकराचार्य ने माया को जीता ज्ञान से उसके बाद पाई बहुत ऊंची जगह ब्रह्म ज्ञान उसके बाद उन्होंने लोक शिक्षा शुरू की ब्रह्म ज्ञान के बिना लोक शिक्षा दी जा सकती है क्या नहीं ठाकुर नहीं ठाकुर पर ठाकुर जब भी मैं सब कुछ छोड़ने की बात करता हूँ तो लोग बाग नाराज हो जाते हैं ऐसा क्यों सन्यास तो आवश्यक है इस पत्थर को ऊपर आने के लिए क्या करना होगा इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर अब इससे ऊपर आने के लिए क्या करना होगा इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर ये माया है माया और ये है ईश्वर ईश्वर को ऊपर लाने के लिए माया को नीचे जाना ही होगा और जिसे ईश्वर दिखाई दे उसे और क्या दिखाई देगा ये संसार दिखाई देगा क्या जी नहीं मैं समझ गया क्या समझ गया आप ही सारी सृष्टि के मूल हैं इस भर पढ़ना क्यों छोड़ दिया रे आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाकर मैं आज तक का सारा पढ़ा लिखा भूल जाऊं मां से पूछ आप भी तो मां के अवतार हैं आप क्यों नहीं कहते उनसे कि वो आपका रोग ठीक कर दे सब कुछ जानकार भी बोलता है नरेन अरे मैंने तो अपना सब कुछ मां को समर्पित कर दिया रे और जो देव को दिया जाए उसे वापस लिया जाता है क्या उस पर ये नश्वर दे हमारे लिए तो आपकी देह उतनी ही कीमती है जितनी आपके लिए आपकी मां एक बार बोलिए ना एक बार बोला था मां बड़ा कष्ट होता है खाते समय सुनकर मां क्या बोली जानता है बोली एक मुंह बंद हो गया तो क्या हुआ तू तो सौ मुंह से खाता है नरेन खाता है राखाल खाता है बाबूराम खाता है ये क्या तेरा ही खाना नहीं हुआ रोगी तो शरीर है
आत्मा नहीं ना, भूल जाइए सब, नष्ट हो जाने दे शरीर को, मिल जाने दे आत्मा को परमात्मा से। ठाकुर यासु पहुंचते न रहना, यासु मुझे जाने नहीं देते रे, वरना मैं कब का यह शरीर त्याग किया होता। ये रोग तो शरीर का है और रोगी शरीर उसी का एक रूप है, वो बनाता भी है मिटाता भी है। मानव शरीर को अपनी बलि भी मानता है। मैं जानता हूं अगर मैं कुछ और दिन रह गया तो कुछ लोगों की आत्मा को प्रकाश मिलेगा, लेकिन मां ऐसा नहीं चाहती रे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देवी मां से एक बार तो कह के देखिए ठाकुर। ये सुआ पंखी आत्मा तो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने का काम करती है नरेंद्र, और फिर मन भर जाने पर इस देह वृक्ष को छोड़कर ऊपर और ऊपर उठती चली जाती है और पहुंच जाती है तारामंडल के पास। उसके बाद मां, प्रणाम ठाकुर। कुछ कपड़े लाया हूं, इन्हें साधु संतों में बंटवा दीजिए। मेरे साधु संतों ये लोग हैं रे, इनको दे दे, दे दे। जा, मैंने तो पहले ही तुझे मां के हाथों सौंप दिया था रे, आज मैं इन सबको तेरे हाथों सौंप रहा हूं। इनका ध्यान रखना। नहीं ठाकुर, मेरे बस का नहीं है ये। जो कुछ भी मेरे पास था उसे मैं तुझे सौंप दिया रे, मैं भिखारी हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु जो कुछ भी तुझे दिया है तुझे इस संसार में बांटना है, जग कल्याण करना है। लगता है अंत अब आने ही वाला है। हाँ, तभी तो नरेन के हाथ हमें सौंपे जा रहे हैं।